Hello everyone, welcome back to another video. Today's video is a very important, very essential for a girl and all the beautiful ladies out there. आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आज की ये वीडियो, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एमरजेंसी पाउच. ये हर लड़की के पास होना चाहिए कि ऐसा एमरजेंसी पाउच, क्योंकि नो मैटर आप लोग टीनेजर हो या यंगर हो, ये हर लोग टीनेजर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स के पास तो ये होना ही चाहिए. और अगर आप एक वर्किंग वूमेन हो तो आपके पास भी होना चाहिए. तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस एमरजेंसी पाउच में क्या क्या रहेगा और आपको इसके अंदर क्या क्या रखना चाहिए. मेक श्योर शेयर इट विद ऑल द गर्ल्स इन योर कॉन्टेक्ट लिस्ट. एंड हाँ, ऑल द बॉयज आउट देयर, इफ यू वॉचिंग दिस, दिस वन इज नॉट फॉर यू, गो वॉच समथिंग एल्स. क्योंकि ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है, क्योंकि आपके लिए कुछ ज़्यादा खास काम आने वाली नहीं. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी कि मैंने इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ. सो गाइस, मेरे इस एमरजेंसी बैग में सबसे पहली चीज़ है स्क्रंची, क्योंकि इसकी कहीं पर भी ज़रूरत पड़ जाती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर सेकंड चीज़ है मास्क, क्योंकि कोविड के बदौलत तो हम लोग को इस चीज़ का पता चल गया है कि मास्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. खैर, अल्लाह का शुक्र है अब इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मैं अपने बैग में रखती हूँ क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए. फिर एगा मेरा मॉइस्चराइज़र प्लम का. अब ये जो हैगा ये ऑप्शनल हैगा, ये मेरा कॉन्टेक्ट लेंस का केस हैगा, तो मैं इसलिए इसको अपने बैग में रखती हूँ क्योंकि मुझे कभी मेरे लेंसेस निकालने हैं तो मैं इसमें रख लूँ. फिर एक लिप बाम, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो मुझे ये यूज़ करना पड़ता है बार बार, तो इसलिए मैं ये भी रखती हूँ. फिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सैनिटरी नैपकिन्स. आप लोगों को इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको या आपकी फ्रेंड्स वगैरह को, तो इसलिए ये रखते हैं, इट्स रियली हेल्पफुल. और फिर रहेंगे मेरे ये टिशू पेपर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है गर्मी में, तो टिशू पेपर रखती ही हूँ मैं अपने पास, आप लोगों को भी रखने चाहिए. फिर हैगा मेरे पास बीबी क्रीम, आप लोग इसकी जगह कंसीलर या लाइट वेट कोई फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैंगे, क्योंकि अगर आप लोग को एमरजेंसी में कहीं फंक्शन में किसी के जाना है तो आप लोग अपना फेस को अच्छी तरीके से कंसील या बीबी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं. फिर एगा मेरे पास परफ्यूम, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, कभी आप लोग के पास स्वेटिंग हो जाती है तो आप लोग कम से कम अपने परफ्यूम तो रख सकते हैं, और ये अपने बैग में वैसे भी होना चाहिए. फिर एगा मेरे पास सनग्लासेस, ये भी आप लोगों के बैग में होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज गोइंग गर्ल्स को और स्कूल गोइंग गर्ल्स के पास होना ही चाहिए सनग्लासेस उनके बैग में, क्योंकि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मियों में. और स्किन के लिए तो अपन के पास प्रोडक्ट हो ही गया था बीबी क्रीम, तो मैंने लिप्स के लिए भी टिंट रखा हुआ है मेरे पास, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है. तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो. आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि आप लोगों को कैसे अपना ये वाला मिनी पाउच अरेंज करना हैगा. मैंने आप लोग को काफ़ी चीज़ें दिखा दी हैं, अब आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कुछ माइनस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. और आप लोग को इस पाउच को अपने एक बैग, पहले इस पाउच को अरेंज करना है, फिर इस पाउच को अपने एक बैग में रखना है जो भी आप लोग कैरी करेंगे वो वाले बैग में. और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.